प्राणाधार सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम। बड़े हर्ष के साथ आपको सूचित कर रहा हूँ, और जैसा कि आपको विदित ही है कि धाम धनी अक्षरातीत की अपार मेहर, परमहंस महाराज राम रतन दास जी की अनुकंपा, सरकार श्री की प्रेरणा और हमारे श्रद्धेय श्री राजन स्वामी जी के नेतृत्व में श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ अपना वार्षिकोत्सव 14 सितंबर से 20 सितंबर तक बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। मैं देख रहा था कि पिछले 6 महीने से संपूर्ण ज्ञानपीठ परिवार, संपूर्ण ज्ञानपीठ ट्रस्ट जो है इस कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा था, और आखिरकार वह क्षण निकट आन पहुंचा है। इस कार्यक्रम में देश के अनेक प्रांतों से 25 से अधिक विद्वान पहुंच करके ज्ञानपीठ के मंच की शोभा को बढ़ाएंगे। ज्ञानपीठ में होने वाले कार्यक्रमों में चर्चा, चितवनी, वाणी मंथन, ब्रह्मवाणी संगीत के साथ साथ योगाभ्यास, प्राणायाम शिविर, इसके अतिरिक्त बच्चों के लिए भी विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों की विभिन्न एक्टिविटीज़, बच्चों के कॉम्पिटिशन्स और बच्चों की विभिन्न कक्षाओं को सम्मिलित किया गया है, ताकि निजानंद संप्रदाय के छोटे बच्चों के हृदयों में भी ज्ञान और प्रेम के बीजों को रोपण किया जा सके। और मुझे यह बताते हुए भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस बार होने वाले वार्षिक उत्सव में 7 नई किताबों का विमोचन किया जा रहा है, और इन सब के ऊपर भी कलश की तरह संपूर्ण ब्रह्मवाणी के 133 भाषाओं में जो प्रकाशन किया गया है उसका भी विमोचन ज्ञानपीठ की लाइब्रेरी में होने जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आप इस कार्यक्रम में फेसबुक, जूम या किसी और मल्टीमीडिया डिवाइस के माध्यम से जुड़ेंगे, या 1 या 2 दिन यहाँ पर वीकेंड पर पधार करके इसकी शोभा को बढ़ाएंगे। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि धाम मेलो सदिवो पर दुर्लभ मेलो संसार, कि परम धाम एक अखंडरस परम धाम में तो आत्माओं का मिलन पल पल है, लेकिन इस कलयुग में ब्रह्मात्माओं का मिलन बड़ा ही दुर्लभ प्रतीत होता है। और जब जब भी ब्रह्मात्माएं मिलती हैं, जब जब भी सुंदर साथ मिलता है, तो एक दूसरे के प्रेम, एक दूसरे के प्रति समर्पण और एक दूसरे से सीख करके हमारे प्राणों में एक नए जोश, एक नई शक्ति और एक नए प्रेम का संचारण होता है। और इसके साथ साथ मैं यह भी अवश्य कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के होने वाले सभी कार्यक्रम एक प्रकार से आत्मा के उत्सव हैं, और किसी भी उत्सव में घर पर बैठ करके फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं जोड़ा जाता। उस उत्सव में सशरीर पधार करके उस उत्सव का आनंद लिया जाता है और उसकी शोभा को बढ़ाया जाता है। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूँगा कि आप सभी भी अपना आत्मिक श्रृंगार करके इस आत्मा के उत्सव में सम्मिलित हों, ज्ञान, भक्ति और प्रेम के इस त्रिवेणी में गोता लगा करके अपनी आत्मा को निर्मल करें और आत्म जागृति के नए सोपानों को चढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी की प्रतीक्षा करते हुए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि विद ग्रीटिंग्स ऑफ पीस एंड लव, वी वेलकम यू एट श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ। प्रणाम सर।